अस्सलाम वालेकुम क्लास, हम लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ एडिंग्स क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सही, चलें हम लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी तक हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए चार चीज़ों को जो स्टडी किया है, उसमें सबसे पहले थी कॉपीराइट, फिर उसके बाद था जो डिज़ाइन, फिर पेटेंट और फिर ट्रेडमार्क। तो हमने कॉपीराइट को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। कॉपीराइट के अंदर जो पाकिस्तान में उसकी ऑर्डिनेंस आई थी वो 1962 के अंदर आई थी। कोई भी शख्स अगर कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है तो उसको 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर ये साबित कर देता है कि आपने उसका प्रोडक्ट इलीगल तरीके से बेच के पैसे कमाए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको 3 साल के लिए जेल में भेज सकता है। ये अपने लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे बेचने वाले सिनेरियो में ना जाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन पे। द अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर द शेप, टेक्सचर, कलर, मटीरियल्स यूज्ड, contours, ornamentation to qualify as a new design, the overall impression should be different from any existing design. Our design right is an intellectual property right that protects the visual design of an object. जो आपका कोई भी innovation है, कोई भी आपकी creation है, वो design wise unique होनी चाहिए और उसको आप legally protect कर सकते हैं design right के जरिए। Typically the creator of the design owns any right in it except where the work was commissioned by or created during the course of employment, in which case the right belongs to the employer or party that commissioned the work. अगर आप डिजाइनर हैं, आप कुछ डिजाइन करते हैं, तो अगर आपने वो अपने लिए बनाया तो आपके पास उसका डिजाइन राइट है। अगर आपने वो किसी से पैसे लेके, बेशक वो आपने किसी की नौकरी करके किसी की एम्प्लॉयमेंट के अंदर बनाया है, या फिर आपने फाइबर पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कमीशन करवा के प्रोजेक्ट के पैसे दिए और आपने पैसे लेके बनाया, तो वो राइट्स उसके पास चले जाएंगे जिसने आपको पैसे दिए। डिजाइन राइट्स, अनरजिस्टर्ड डिजाइन राइट्स, रजिस्टर्ड डिजाइन राइट्स। जो अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट्स है, इसके अंदर जो डिज़ाइनर है वो अपने डिज़ाइन को कहीं पे रजिस्टर नहीं करवाता, लेकिन अगर कोई उसका डिज़ाइन कॉपी कर ले तो फिर भी उसको प्रोटेक्शन देती है हुकूमत। इसके सिनेरियो में जो डिज़ाइनर है उसको ये साबित करना होता है कि ये डिज़ाइन उसी का है बनाया हुआ।
इसकी मिसाल ऐसा है कि आपने किसी को, किसी कंपनी ने आपको कहा कि जी हमें लॉगो डिज़ाइन कर दें, आपने उसको टेम्पररी लॉगो बना के भेजे, आपने ऊपर अपना मोनोग्राम डाल दिया, उन्होंने वही मोनोग्राम आपने उसको 50,000 के बना करके देने थे, वो लोगों उन्होंने किसी और को दिखा कर उनसे वो 5,000 में बनवा लिया। अब आप उन पे केस कर देते हैं जी ये इन्होंने लोगो जो बना अपना, क्योंकि आपका लोगो फाइनल इस्तेमाल करेंगे वो लोग, तो ये आपकी इजाज़त के बगैर कर रहे हैं, तो आप उन पे केस कर सकते हैं, और केस के अंदर आपको ये प्रूफ देना होगा कि ये लोगो आपने उनको प्रोवाइड किया था, फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन जो सही प्रोटेक्शन है वो ये कि जब भी आप कोई क्रिएशन करें, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद आप उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर करें। अगर आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से बना रहे हैं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन राइट्स अवेलेबल होंगे। अगर आप किसी मुल्क के कानून के अंडर काम करें तो आपको वो डिज़ाइन राइट प्रोटेक्शन ऑफिस के अंदर रजिस्टर कराना होगा। तो आप अपने क्लाइंट को देने से पहले उसकी ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे, यानी वो अपने नाम पर आप रजिस्टर करवाएंगे। जब आपको कोई पेमेंट कर देगा तो आप जो डिज़ाइन ऑफिस है, जो राइट्स का ऑफिस है, वहाँ से जाके उसकी ओनरशिप चेंज करवाएंगे। उस सिनेरियो में अगर फिर भी मिसाल के तौर पे आपने डिज़ाइन बनाया, आपने अपना रजिस्टर करवा लिया, आपने उसको सैंपल भेजा, उसने आगे कॉपी करके किसी और से बनवा लिया, उस सिनेरियो में जो जिसने इन्फ्रिंज किया है, इन्फ्रिंजमेंट किया, जिसने आपका लीगल राइट तोड़ा है, आप उसको ज़्यादा बड़ी पेनल्टी डाल सकते हैं। अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट प्रोटेक्ट द शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मार्केटेबल और पोटेंशियली मार्केटेबल प्रोडक्ट and are used to prevent unauthorized copying of any original design. Design rights can also be bought, sold, licensed in a similar manner to copyright. Design rights exist independent of copyright, while copyright may protect document details, the design as well as artistic or literary work incorporated within the finished product, the design right focuses more on the shape, configuration and construction of the product. Acha ji, registered design right. The registered design right may be applied for the provision for the registered design may be applied for to provide additional cover over and above any design right or copyright protection that may exist in the design. The benefit of the registered design is that the design may enjoy prolonged protection from copying, although this protection would only be available in countries or territories where the application was made. Jo legal protection hai uska scope kisi country ya territory ke andar hai. To iski misal aise hai ki jo McDonald's ka logo ya design hai वो चाइनीज़ ने कॉपी करके अपना ब्रांड बना लिया, तो वो अमेरिका के अंदर लीगली प्रोटेक्टेड है, लेकिन चाइना के अंदर मैकडॉनल्ड्स लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। आगे आ जाते हैं जी, राइट्स ऑफ डिज़ाइन, रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस डिज़ाइन से रिलेटेड पाकिस्तान में आई थी वो ईयर 2000 में आई थी, और इसके मुताबिक जो सज़ा है वो 2 साल की है, और जो जुर्माना है वो 20,000 रुपये का है, या दोनों हो सकते हैं इकट्ठे। फिर आ जाता है पेटेंट। अ पेटेंट गिव्स द पेटेंट होल्डर द राइट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, सेलिंग और यूजिंग हिज और हर इनोवेशन। अनलाइक कॉपीराइट, पेटेंट प्रोटेक्ट्स द आइडिया और डिजाइन ऑफ द इनोवेशन रादर देन एनी टेंजिबल फॉर्म ऑफ इन्वेंशन। जो आपकी इनोवेशन है, आपने एक दवाई का नया फॉर्मूला ईजाद किया है, वो आपकी इनोवेशन इन्वेंशन जो है वो आप पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट जो है वो आप डॉक्यूमेंट बना के जमा करेंगे, वो एग्जामिनर्स के सामने से गुजरेगा, एग्जामिनर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर इनोवेशन वाकई मौजूद है। अगर इनोवेशन वाकई मौजूद है तो ये पहले से जो दवाइयाँ बन रही हैं उससे कितने परसेंट फ़र्क है, या जो ये पहले से काम हो रहा है उससे कितना ज़्यादा फ़र्क है, और क्या इनोवेशन इतनी है कि लोग इसको इनोवेटिव मांगें। अगर ये सारी चीज़ें पूरी उसमें नज़र आती हैं तो वो पेटेंट आपका रजिस्टर हो जाएगा, और जब आपका पेटेंट रजिस्टर हो जाता है तो 20 साल तक आप उसको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने जो चीज़ इनोवेट की 20 इयर्स तक कोई और शख्स वैसा अगर बनाएगा तो आप कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फाइन करवाने के लिए, या उसका बिजनेस बंद करवाने के लिए, क्योंकि वो आपका पेटेंट है।
20 साल के बाद आपका पेटेंट जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, अगर कोई और बनाना चाहेगा तो उसको बना सकता है। जो पेटेंट ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में वो ईयर 2000 में आई थी। फिर आ जाते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन लिखी हुई, आप इसको ऐसा याद करें, लेकिन आसान अल्फाज में ट्रेडमार्क जो है वो टेक्स्ट या लोगो को कहते हैं या टैगलाइन को जो कंपनी इस्तेमाल करती है अपने विजिटिंग कार्ड्स पे या अपनी बिल्डिंग के बाहर लोगो दिखाने के लिए या फिर अपनी प्रमोशन के लिए। इसी मिसाल ऐसे है कि zameen.pk जो ट्रेडमार्क रखेगी वो zameen.pk पूरा रखेगी, सिर्फ जमीन ट्रेडमार्क नहीं रखेगी। और अगर जमीन ट्रेडमार्क रखती भी है तो वो किसी को भी जमीन का नाम इस्तेमाल करने पे नहीं फाइन लगवा सकती, क्योंकि जमीन एक जेनेरिक वर्ड है, लेकिन zameen.pk का ट्रेडमार्क है। उनकी टैगलाइन क्या है जी, हर पता हमें पता, वो अपनी टैगलाइन को भी रजिस्टर करेंगे, कोई टैगलाइन भी उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनकी जो ट्रेडमार्क है वो कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, ट्रेडमार्क ओनर कैन बी इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एंटिटी। ट्रेडमार्क मे बी लोकेटेड ऑन पैकेजेस, लेबल्स और वाउचर और एनी प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। ट्रेडमार्क्स आर ऑफन डिस्प्लेड ऑन कंपनीज बिल्डिंग्स। कंपनीज अपनी बिल्डिंग्स पे और अपने बाकी प्रोडक्ट्स पे अपना ट्रेडमार्क शो करा सकती हैं। अ ट्रेडमार्क मे बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, आखिरी जो हमारी स्लाइड है आज के लेक्चर की वो है कंपैरिजन बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये पेपर का एक अहम सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, तो आपने पूरा टेबल उसमें जवाब में देना। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें लेक्चर, नहीं तो फिर मैं एंड करूँगा। जो आपकी स्लाइड नंबर 2 वो कंप्लीट हो गई है सर, ये चाइना में सर जो है मैकडोनल्ड लीगली वेरीफाइड क्यों नहीं है सर? चाइना जो है वो अमेरिकन बिजनेसेस को लीगल फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी चाइनीज इंफॉर्मेशन इस इन कंपनीज के थ्रू लीक हो जाती है। वो गूगल भी अलाउ नहीं करते, उनका अपना सर्च इंजन है, उनका अपना फेसबुक है, उनके अपना ईमेल सिस्टम, उनका अपना अमेजोन के मुकाबले का एक्सप्रेस है। वो कोई भी बाहर की कंपनी को इसलिए अलाउ नहीं करते कि वो कहते हैं कि इसके जरिए हमारे अवाम की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग लॉ मैं बताऊं जो कि अमेरिका का है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ईमेल भेजता हूं और ईमेल के अंदर मैंने न्यूक्लियर पाकिस्तानी न्यूक्लियर पासवर्ड भेज दिया आपको। लेट्स सपोज जी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पासवर्ड मेरे पास है, मैंने आपको जीमेल के जरिए भेजा है। अब जीमेल पूरी दुनिया को ये बताता है कि हम ईमेल को सिक्योर करते हैं, वो सिर्फ एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर चलती है, व्हाट्सएप भी ये करता है। लेकिन अमेरिका का एक कानून है वो ये कहता है कि अगर कम्युनिकेशन उन दो लोगों के दरमियान में है जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो अमेरिका उस कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करके नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन अगर अमेरिका की कोई भी सर्वर पे ऐसे कम्युनिकेशन होती है दो पार्टीज के दरमियान में जो अमेरिका में मौजूद नहीं है, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन FBI और अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास ये लीगल राइट है कि वो हमारी जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन थी उसको डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ सकती है उसमें क्या लिखा हुआ। तो कोई भी अमेरिकन सर्विस जो आप इस्तेमाल करें, चाहे आप जीमेल करें, चाहे आप व्हाट्सएप करें, अगर आप अमेरिका से बाहर बैठे हैं तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो FBI और CIA के पास लीगल राइट है, उसको ओपन करके देख सकते हैं। ये एक वजह है जिसकी वजह से चाइना बहुत सारी मेजर एक्सटर्नल कंपनीज को जो कि उनके लोगों की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जा सकती है वो अलाउ नहीं करते। और एक बहुत अच्छा प्रोसेस है आपकी इस टाइम, तमाम बिजनेसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, हम जूम इस टाइम अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज जो है वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है, इवन अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो DGISPR की ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस उनके ट्विटर पे जो वो तस्वीरें लगाते हैं, आप वो ईमेल चेक करें, वो भी जीमेल से भेजते हैं। तो ये अच्छी पॉलिसी नहीं है कि हम एक्सटर्नल कंपनीज को अलाउ करें, क्योंकि बेशक हमारी फौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, अगर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो उस मीडियम से है जो कि अमेरिकन है या व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर इसराइल में है, अगर इसराइल में बेस है तो हम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, हमने मैसेज भी इसकी कम्युनिकेट करना है कि इसको इधर मूव करते हैं, उसको इधर मूव करते हैं, वो सारा उनके लिए क्लियर है। थैंक
थैंक यू सर। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास तो हमारा लेक्चर इतना ही था। स्लाइड 2 हमारी एंड हो गई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम स्लाइड 3 शुरू करेंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा ना खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है उसको आसान कर दे। मुझे और बाकी क्लास वाले उसको अपनी दुआ में जरूर याद रखेगा। ना उम्मीद ना होना, क्योंकि मोमिन जो है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।